हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम देखने वाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राय आपको लेकर क्या है। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है द माइजर एंड पॉलिटिक्स, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है द लवर्स। ओके, आप किसी के बारे में भी सोचकर इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है साइलेंस। ऐसा लगता है यहाँ पर द माइजर के कार्ड को देखकर कि बात रुपये पैसे की हो या फिर रिलेशनशिप की, आप दोनों में ही बहुत कंजूसी करते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते इजीली, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ठहराव सा बना हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठहर सा गया है। आप में एक बात बहुत ही अच्छी है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहते हैं उसके साथ लॉयल रहते हैं और उसको खोना नहीं चाहते हैं, उसे हमेशा ही संभाल के रखने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है पॉलिटिक्स। इसको देखकर ऐसा लगता है आप टाइम टू टाइम पॉलिटिक्स खेलते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखने में माहिर हैं और अपने दिल में जो भी होता है उसे दूसरों पर जाहिर नहीं करते, यानी कि डबल फेस लेकर घूमते हैं। यहाँ ऐसा तो लगता ही है, और ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में जितनी भी फीलिंग्स हैं, आपके दिल में जो भी तूफान उठा हो या फिर आपके दिल में कितना भी गम क्यों ना हो, आप उसको छुपाकर लोगों के सामने हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ फेस ही लेकर आते हैं। ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है। एंड द लवर्स के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे लवर हैं। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहते हैं पूरी शिद्दत से और पूरी प्योरिटी के साथ उस रिलेशनशिप को निभाते हैं। आप एक ट्रू इंसान हैं। आप अपने दिल में जो कुछ भी होता है वो उसको ईजिली जाहिर तो नहीं करते, बट अपने प्यार को जाहिर करने में ज़रा भी लेट नहीं होते, यानी कि देर नहीं करते। आपके दिल में जितनी भी फीलिंग्स हैं आप जाहिर करते हैं अपने लवर को, उन पर प्यार निछावर करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं। यहाँ इस लवर्स के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है और आपके जीवन में इस प्यार की कमी है, ऐसा यहाँ लगता है, क्योंकि आपने उसे अपने दिल में ही छुपा कर रखा है। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे इंसान का इंतज़ार है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारा प्यार दे सके, जो आपका सोलमेट हो। आपको अपने सोलमेट का इंतज़ार है। यहाँ ऐसा लगता है लोगों को आपके बारे में ये तो लगता ही है, और द साइलेंस के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आपको साइलेंस बहुत पसंद है, आपको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। लोगों को ऐसा ही लगता है आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एकांत में रोते रहते हैं, नहीं, आपके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं आप उनको जाहिर भी करते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने गम को छुपाकर दुनिया के सामने आते हैं। और यहाँ पर द माइजर के कार्ड को देखकर भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपने जीवन में संभाल के रखते हैं, अपनी लाइफ से इजीली जाने नहीं देते, यानी कि मूव ऑन नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ लगता है। और आपको जो बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये सारी क्वालिटीज़ को आपकी पसंद करते हैं, इसलिए ही आपने आपके जीवन में रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही शांति प्रिय किस्म के इंसान हैं, आपको शांति बहुत पसंद है, लोग आपके बारे में यही सारी चीज़ें सोचते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। बाय बाय।